हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्या लर्निंग। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आई हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका इंग्लिश में बहुत काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स भी बताऊँगी बीच बीच में। आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और इसका पार्ट टू मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के बीच में। बहुत ही जल्द नव्या लर्निंग में आपके लिए SSC से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, जिसमें आप जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL जिनकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, GK से रिलेटेड, GK के टॉपिक से रिलेटेड या जो भी उसके टॉपिक्स उसके अंदर कवर होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपको बहुत जल्दी नव्या लर्निंग पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा, ताकि आपके पास अपडेट आती रहे और वीडियोज़ को आप देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझने की कोशिश करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, इट मींस दैट अ सेंटेंस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में अगर मैं बोलूँ, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वोकैबुलरी का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, एक सेंटेंस को हम एक सेंटेंस पूरा ना बोल के उसे एक छोटे से सिंगल से वर्ड में अगर बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, मैं अभी आगे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ज़रूर आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप। इससे आपकी एक और प्लस पॉइंट इसका ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी क्या होती जाती है, इससे अच्छी होती रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, कॉल बैक टू द माइंड। ये मैंने बहुत सिंपल सा दे रखा है, कॉल बैक टू द माइंड। कॉल बैक मतलब कि हमें वापस से अपने दिमाग में कुछ हम क्या करते हैं, वापस से लेके आते हैं कुछ हम दिमाग में, तो उसे क्या कहते हैं, हम रिकॉल। जैसे बहुत एग्जांपल्स में अगर इसके दूँ आपको, जैसे हम बोलते हैं कि पुरानी कोई चीज़ को हमें याद करना, तो उसे क्या कहा जाता है, रिकॉल। रिकॉल क्या कहा जाएगा, इसे रिकॉल। एब्सेंस का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति। जहाँ पे हम यहाँ पे किसकी बात करें, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, सरकार की, जहाँ पे सरकार नहीं होती बेसिकली, उसे क्या कहा जाता है उस कंट्री को, वहाँ पे जैसे हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी चलती है। जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है आपका, एनआरकी। एनआरकी। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाई BP भी बोलते हैं, जिसका BP जो होता है एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, उसे वैसे इस बढ़े हुए BP को क्या बोला जाता है एक सिंगल वर्ड में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसमें, और नेक्स्ट वाला जो है लो BP, लो ब्लड प्रेशर, उसको क्या, उसमें एक ही डिफरेंस है, इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है इसका, हाइपरटेंशन। एंड नेक्स्ट वाला आपका आ जाता है लो BP को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ बॉडी। एबनॉर्मल कोई भी हमारी बॉडी पार्ट में जहाँ पे कहीं पे भी ग्रोथ हो जाती है, मतलब कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई चीज़ अलग से ग्रो करने लग जाती है एबनॉर्मल तरीके से, तो उसे क्या कहा जाता है, एक ट्यूमर। ट्यूमर सबने सुना होगा, लेकिन ट्यूमर होता क्या है, जब बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई चीज़ ऐसी होती है जो ग्रो करने लग जाती है, जो नहीं होनी चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, एक ट्यूमर कहा जाता है। नंबर सिक्स आता है आपका, कैपेबल ऑफ बींग हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, सुनाई देना, ठीक है। कैपेबल ऑफ बींग हर्ड, जो आपको सुनाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल वर्ड में ऑडिबल। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, इज़ इट ऑडिबल, क्या ये आपको सुनाई दे रहा है, या जैसे क्लासरूम में बोला जाता है, इज़ इट ऑडिबल टू द लास्ट सीट तक क्या सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम वर्ड ऑडिबल। हम किसकी जगह पे यूज़ करते हैं, इसे हियरिंग के बेसिस पे यूज़ करा जाता है, क्या, ऑडिबल। क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, क्लस्टर कहा जाता है जिसे समूह होता है, तो क्या होता है, क्लस्टर। क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, एक गांव में हाउसेज का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, हैमलेट। क्या कहा जाएगा उसे, हैमलेट। नंबर एट इज़ योर दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, जो बिना किसी बाहर की सहायता के रह सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल से शब्द में उसे कहा जाएगा आपका, वायबल। क्या कहेंगे आप उसे, वायबल। जैसे इसको अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको क्या कह सकते हैं आप, संभव, ठीक है। नंबर नाइन इज़ योर डिजीज़ विच
और दैट एंड्स इन डेथ, जिसे डेथ में जब जो कोई ऐसी बीमारी जो लास्ट में जिसका क्या होता है डेथ हो जाती है, जिसमें मृत्यु होती है, उसे क्या कहा जाएगा? फेटल। उसको हम एक ही वर्ड में डिनोट करते हैं, क्या कहेंगे उसे आप? फेटल, FATAL, फेटल। नंबर 10th इज़ योर हैविंग अ बैड स्मेल और टेस्ट। जहाँ पे बहुत बुरी सी बदबू आ रही हो या फिर टेस्ट बुरा हो तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे पूरा नहीं बोल के हैविंग अ बैड स्मेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? फाउल। ठीक है, बैड की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं फाउल स्मेल, बोला जाता है कि बहुत बुरी बदबू जिसे कहते हैं, और या फिर टेस्ट कहते हैं फाउल टेस्ट और फाउल स्मेल। नेक्स्ट आता है आपका जर्नी बाय वाटर और सी। जो हम जर्नी करते हैं यात्रा करते हैं किससे? वाटर से या फिर सी से जो यात्रा करी जाती है, पानी की जो यात्रा होती है बेसिकली, उसे आप क्या नाम देते हैं? वोएज। क्या कहेंगे उसे आप? वोएज। नेक्स्ट इज योर वन हु नोज एवरीथिंग। जिसे सब चीज़ पता होती है, जिसे सब चीज़ पता होती है, या फिर जिसे हिंदी में आप कहेंगे अंतर्यामी, जिसे सब चीज़ पता होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ओमनीसेंट। क्या कहेंगे आप इसे? ओमनीसेंट। नेक्स्ट इज दैट कैन नॉट बी हर्ड। जिसको जो नहीं सुनाई दे सकता, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, जो सुनाई दे सकता है, सुनाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे आप? ऑडिबल। और जो नहीं सुनाई दे रहा है उसमें आगे क्या लग जाएगा? सिर्फ इन, तो क्या बन जाएगा? इन ऑडिबल। नेक्स्ट इज़ द पर्सन हु कैन परफॉर्म अनयूजुअल एक्ट्स। जो अनयूजुअल एक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें क्या बोले जाएंगे आप? एक्रोबेट। एक्रोबेट का आपने एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, एक्रोबेट जैसे कि 26 जनवरी को आपने परेड में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे करतब दिखाते हैं। ठीक है, वो उसमें बोला जाता है कि हमारे भारत के जो नौजवान हैं कितने अच्छे करतब दिखा रहे हैं, तो उनको आप क्या बोल सकते हैं? जो अनयूजुअल एक्ट्स, जो रोज़ नहीं करते लोग, इन्हें अनयूजुअल एक्ट्स वो होते हैं जिन्हें रोज़ नहीं करा जाता है, तो उनको क्या बोलेंगे आप? एक्रोबेट। नेक्स्ट है आपका मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ऑड हैबिट्स कहा जाएंगे जिसके अंदर क्या है आपकी बुरी जो हैबिट्स हैं, बुरी जिन्हें कहेंगे आप, जैसे बुरी आदतें जो हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सेंट्रिक। इसे क्या कहेंगे आप? एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट इज योर दैट ईजिली चेंजेस इंटू गैस और वेपर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गैस या वेपर में जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, उसे आप क्या कहेंगे? वॉलेटाइल। क्या कहेंगे आप उसे? वॉलेटाइल। ये बेसिकली वॉलेटाइल जो है एक नाउन के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वॉलेटाइल। ठीक है, वैसे वॉलेटाइल का हम मतलब अगर वैसे देखा जाए तो इसको परिवर्तनशील भी कहा जाता है, जैसे जैसे बोलते हैं वॉलेटाइल, जैसे परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड। माइंड की जो रीजनिंग पावर होती है, जो दिमाग की जो रीजनिंग पावर को क्या कहते हैं आप? इंटेलेक्ट। जैसे आप बहुत लोगों से सुना होगा इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें, बुद्धिजीवियों की बातें, तो वहाँ पे क्या होता है? रीजनिंग पावर जो होती है माइंड की, उसे क्या कहते हैं आप? इंटेलेक्ट। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज़ योर आइडल टॉक। आइडल टॉक होता है नॉर्मल सी बातें, जैसे कोई भी जिसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कोई डिस्कशन नहीं होता, नॉर्मल सी जो बातें होती रहती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन्हें क्या कहते हैं आप? गॉसिप या गॉसिप्स। फिल्म और लेक्चर अबाउट ट्रेवल्स। कोई भी फिल्म होगी या कोई लेक्चर होगा, किसके बारे में होगा? यात्राओं के बारे में होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? ट्रेवलॉग। एंड लास्ट इज़ योर क्लोज एंड फेमिलियर। यहाँ पे क्लोज एंड फेमिलियर बहुत ही नज़दीकी, और जो जिसे यूज़ करेंगे हम वर्ड, जिसे क्लोज है किसी के, फेमिलियर है बहुत अच्छे से जान पहचान है, या जिसे कह सकते हैं निजी है, तो उसका इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो आपका आता है इंटीमेट। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी का पार्ट टू मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।